इंदौर की गरीब बस्तियों में कलम से कलाम अभियान अच्छा रंग दिखा रहा है। शहर का एक युवा अपने 6 साथियों की टीम के साथ गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने में जुटे हुए हैं। यह टीम समाज के बीच में शिक्षा का प्रचार कर रही है। जब से कोरोना को लेकर लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसने हर किसी की दिनचर्या बदल दी है। शहर के युवाओं ने आपदा को अवसर का रूप देते हुए कलम से कलाम नाम के मिशन के तहत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा कर बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम किया। इस मिशन की शुरुआत IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रणव सेंगर ने की। 19 साल के प्रणव 12वीं कक्षा में इंदौर संभाग में टॉप किया है। वे हर वर्ग को शिक्षित करने का सोच रखते हैं। प्रणव बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एग्जाम के लिए मार्गदर्शन देते हैं। उनकी बहन शिखा भदौरिया जो MBA की विद्यार्थी है और उनकी पड़ोसी मोना अग्रवाल सहित 5 लोगों की टीम ने इस मिशन को उड़ान दी है। कई बार इन लोगों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कलम से कलाम अभियान अब इनके सपनों को साकार कर रहा है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह, सोहेल खान और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। हेलो, आई एम मोना अग्रवाल, कलम से कलाम निःशुल्क एजुकेशन की सीनियर मेंबर हूँ। हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से इंदौर के विभिन्न विद्यालयों में रोजक और ज्ञान में सेमिनार का आयोजन कर रही है। हमारा मेन फोकस इस्लाम एरिया के बच्चों को शिक्षित करना है, जिससे वे अपने सपनों की ऊंची उड़ान भर सके। कम एंड जॉइन अस, थैंक यू। हेलो, ये बड़े हर्ष की बात है कि मैं मोना अग्रवाल कलम से कलाम निःशुल्क एजुकेशन की सीनियर मेंबर हूँ। हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से इंदौर के विभिन्न विद्यालयों व इस्लाम एरिया में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। हमारा मेन फोकस इस्लाम एरिया के बच्चों को शिक्षित करना है, जिससे कि वे अपने सपनों को साकार करके एक ऊंची उड़ान भर सके। धन्यवाद। हेलो गाइस, माय नेम इज शिखा एंड आई एम द पार्ट ऑफ द निःशुल्क एजुकेशन सिस्टम कलम से कलाम। ये निःशुल्क एजुकेशन प्रणव ने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जब इसे मैं अपने सीनियर्स के अंडर में रहकर इस मिशन को आगे बढ़ाने में प्रणव का सहयोग करती हूँ। इसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। इसमें मैं स्लम एरिया में जाकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करती हूँ तथा उनके मम्मी पापा की काउंसलिंग करती हूँ कि इन्हें पढ़ा करके आगे बढ़ाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही तो बढ़ेगा इंडिया। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव सेंगर हियर, द फाउंडर ऑफ कलम से कलाम निःशुल्क एजुकेशन। We are the group of 6 people who are providing free quality education to the students of various schools of Indore. Our main motto is to reach Islam class children so that these children will get educated and face out every challenge of their life. So we want you to come and join us in spreading our Nishulk education program. फ्रेंड, ये बताया आपने कहाँ से शुरुआत की, मतलब आपको प्रेरणा ये सब कहाँ से करने की मिली? एजुकेशन स्लम एरिया में आप जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शुरुआत कहाँ से, आपको प्रेरणा कहाँ से, माइंडसेट कहाँ से कि मैं कुछ करूँ समाज के लिए? ओके सर, जब 2018 में जब मैं CBSE टॉपर बना था, उसके बाद MIG कॉम्पिटेटिव एग्जाम, US विजिट, ये सब हुई, तो मैंने देखा कि इंदौर में जो कंडीशंस है एजुकेशन की वो काफी डाउन है। अगर हम हमारे इंदौर के एजुकेशनल स्टेटस को फॉरेन कंट्रीज से कंसल्ट करें तो काफी गई हुई स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी टीम है वो स्लम एरियाज में जाए, वहाँ के बच्चों को एजुकेट करे, ताकि वो स्लम एरियाज की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ पाए। वरना जो काम उनके माता पिता कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर विजिट किया था तो देखा था कि वहाँ के अधिकतर बच्चे तगारी उठाते हैं, घर घर जाकर बर्तन साफ करते हैं, शॉप्स पर जाते हैं, और स्कूल कई बच्चे जाते ही नहीं है। तो हमारी टीम वहाँ पर गई, हमने वहाँ पर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, जिससे एजुकेशन सेक्टर वहाँ का इम्प्रूव हो और वो बच्चे आगे बढ़ पाए। तो हम लोगों ने जब पेरेंट्स की काउंसलिंग करना शुरू की तो काफी पेरेंट्स अवेयर हुए, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, और हमारी टीम डेली बेसिस पर वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाती भी थी, जिससे उनके रिजल्ट्स में काफी इम्प्रूवमेंट आए। तो कहीं मुझे लग रहा था कि ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हम आगे बढ़ा सकते हैं, तब से मैंने शुरुआत की निःशुल्क एजुकेशन की। अभी आपकी कितने लोगों की टीम है और किस तरह के सब काम करते हैं आप? ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर बच्चे आपके यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से आप काम मैनेज कर रहे हैं? सर, हमारी 6 लोगों की टीम है। जब मैं 10th क्लास में था तो मुझे मेरी सीमा चौहान बुआ पढ़ाती थी, तो उन्होंने शुरू से मुझे बताया था कि अगर तुम्हारा एकेडमिक्स इतना अच्छा है तो तुम आगे चल के और बच्चों को भी इसका बेनिफिट दे रहा। तो फिर मैंने 6 लोगों की टीम बनाई, जिसमें मोहिनी वर्मा जी है, मोना अग्रवाल जी है, शिखा भदौरिया है। तो हम लोग सब ग्रुप एज ए टीम काम करते हैं और इस्लाम एरियाज में जाते हैं। जैसे अभी जब कोरोना शुरू नहीं हुआ था तो हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्लम एरियाज में जाती थी
और वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल या आंगनबाड़ी सेंटर की मदद से हम अपनी बुकिंग करते थे और उस बुकिंग के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हम सेमिनार सेशन का ऑर्गेनाइजेशन करते थे, जिससे काफी बच्चे सेमिनार्स को अटेंड करते थे। उन बच्चों को जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस प्रैक्टिकल्स का यूज करते थे ताकि बच्चों को साइंस अच्छे से समझ में आए। मैथ्स को फॉर्मूलाज और इजी ट्रिक्स एक्सप्लेन किया जाता था। साथ ही साथ हमारी टीम वहाँ पर रेगुलर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी लेती थी, जिससे उनकी इंग्लिश भी काफी इम्प्रूव हुई। जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ तो हमारी टीम ने जूम मीट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू किया, पर इसमें मेन प्रॉब्लम यह आ रहा था कि काफी बच्चों के पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल भी है तो उसमें इंटरनेट इशू है। तो कई हमने जो डाटा कंसल्टेंसी की कंपनीज है या उनसे भी कंसल्ट किया, जिससे वो नेटवर्क इशू करवा रहे हैं। अभी आपको ये काम शुरुआत किए कितना समय हुआ है? ये 2019 में हमने शुरुआत की थी और अभी काफी बड़े पैमाने पर ही काम चल रहा है। कैसा काम मैनेज कैसे करते हैं? आपको आर्थिक रूप से कहीं से सहायता मिल रही है, आप खुद मैनेज करते हैं? नहीं सर, जैसा अभी 2019 में ही इसे शुरू किया गया है तो जब ये टीम अच्छे से काम कर पाएगी, हम ज़्यादा बड़े पैमाने तक काम कर पाएंगे, तब हम इसे एज एन एनजीओ के लिए अप्लाई करेंगे। हमें पता लगा था आपने 12th में संभाग में टॉप किया है, तो इससे ये तो लगता है कि आप पढ़ाई में काफी अच्छे हैं। तो आप आगे क्या तैयारी, आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? आपके सपने क्या है कि मैं सोसाइटी को कुछ दे पाऊँ मेरी वजह से, तो क्या तैयारी है आपकी आगे की? सर करंटली अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और 20 साल मेरी उम्र है और साथ ही साथ मैं आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो 2022 में मेरा फर्स्ट अटैम्प होगा, तो जैसे ही अगर मैं आईएएस की पोस्टिंग ले लेता हूँ अपनी पूरी मेहनत के साथ, तो मेरा मेन फोकस रहेगा अगर कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो तो मैं वहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं सोसाइटी के, हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं आपकी यूथ जो है आज कहीं और दिशा में भटक रही है, लेकिन आप एक समाज के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो एजुकेशन ऐसा फाउंडेशन है जो बच्चों की लाइफ इम्प्रूव कर सकता है, और अगर नींव ही उनकी मजबूत हो जाएगी तो उन्हें आगे चल के कोई भविष्य में परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन भी देना चाहिए ताकि उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और आगे चल के जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे UPSC है, IIT है, NEET है, वो इजिली क्रैक कर पाए। मैं चाहता हूँ कि बेसिक बच्चों का स्ट्रॉन्ग बने ताकि वो आगे चल के और प्रोग्रेस कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।